हेलो फ्रेंड्स, पिछले कुछ दिनों में हमने ऐसे बहुत सारे एड्स देखे हैं जिसमें केन विलियमसन, ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी जैसे बहुत बड़े बड़े न्यूजीलैंड के प्लेयर्स आके अमेजन प्राइम वीडियो पे प्रमोशन कर रहे हैं। और अभी न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में जो टेस्ट हुआ है या फिर न्यूजीलैंड का जो भी सीरीज हुआ है वो अमेजन प्राइम वीडियो पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो अभी इससे ये तो क्लियर पता चल रहा है कि अमेजन हॉटस्टार की तरह क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में भी एंट्री मार चुकी है, लेकिन अमेजन को क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में आने का जरूरत क्यों पड़ा और क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में ऐसे क्या है जिसके वजह से अमेजन इस फील्ड में एंट्री ले रहा है, तो चलिए आज इसी के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इससे पहले कि हम लोग डिस्कस करें कि अमेजन क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग में क्यों एंट्री ले रहा है, हमें जानना पड़ेगा कि क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग काम कैसे करता है। तो जनरली यहाँ पे मैं पूरा स्ट्रक्चर समझा देता हूँ कि इस इंडस्ट्री में क्या होता है और किस तरह से होता है। तो लेट से अगर IPL हो रहा है या फिर ICC का कोई टूर्नामेंट हो रहा है, देन BCCI या फिर ICC इसके लिए पहले टेंडर निकालेंगे कि कौन कौन इंटरेस्टेड है। तो जो जो कंपनी इंटरेस्टेड है वो पहले अपना बिड डालेंगे, उसके बाद जो हाईएस्ट बिडर होता है और जो टेक्निकल जो राइट्स होते हैं या फिर जो टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होते हैं उनको जो मैच कर पाता है उसको ये राइट्स दिया जाता है। अगर आप जाके कोई बिड डाल देंगे और आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, देन आपको ये बिड नहीं मिलेगा। आपके पास वो टेक्निकल सुपीरियरिटी होना चाहिए जिसके वजह से आपको ये बिड मिलेगा। तो इसी तरह 2017 में स्टार या फिर यूं कहूँ तो हॉटस्टार ने 16,000 करोड़ में ये 5 साल का राइट्स अपने पास ले लिया था। तो 16,000 करोड़, इतना ज़्यादा रुपये ये लोग पे करते, तो ये लोग रेवेन्यू कैसे निकालते या फिर उससे अपना पैसा कैसे निकालते? तो 85% ऑफ द पैसा होता है वो एड रेवेन्यू से निकल जाता है। यानी कि आप इतने सारे मैचेस देखते हैं तो इसके बीच में एड तो आते ही रहते हैं, आप बहुत सारे एड्स देखते हैं, मतलब हर ओवर के बाद मिनिमम एक या फिर मैक्सिमम 2 एड्स आते हैं, उसके बाद स्ट्रैटेजिक टाइम आउट, इतने सारे एड्स आते हैं, इसमें ये लोग बहुत ही ज़्यादा पैसा कमा देते हैं। बाकी रहा 15%, तो 15% ये क्या करते हैं कि अपने ब्रांड वैल्यू बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। यानी कि अगर आप पूरे साल में 2 महीना सिर्फ हॉटस्टार में दिन में 2 घंटा या फिर 3 घंटा या फिर जो टेस्ट अभी देख रहे हैं तो टेस्ट में भी आप दिन में 4 घंटा टेस्ट देख लेते हैं हॉटस्टार में, देन हॉटस्टार का एक वैल्यू आपके दिमाग में आ जाता है। आप नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम के बाद अगर किसी OTT प्लेटफॉर्म को जानते हैं देन हॉटस्टार को जानते हैं, तो ये ब्रांड वैल्यू के लिए भी लोग पैसा पे करते हैं। और तीसरा जो मॉडल ये लोग यूज करते हैं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा क्रिकेटिंग डाटा हो गया या फिर आप बहुत सारे ब्रॉडकास्ट कर चुके हैं, देन उसको लेके एक सीरीज बना गया, जैसे इंडिया का ऑस्ट्रेलिया टूर था, जैसे जो बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज होते हैं जो कि एक टर्न अराउंड सीरीज होते हैं, उसको भी ये लोग एक सीरीज बना के आप लोगों को दिखाने का ट्राई करते हैं। तो ये तो हो गया फ्रंट में कि आप लोगों को क्या दिखता है और मेन पिक्चर में क्या होता है, लेकिन बैकएंड में कुछ एक और ही स्टोरी चल रहा होता है जिसको कोई नहीं देखता। तो ये है OTT सब्सक्राइबर गेन करने का स्टोरी। तो समझिए, अगर आपको IPL देखना है देन आप 2 वे से देख सकते हैं। पहला है आप DTH से, यानी कि जो आपके घर में जो स्टारलाइन प्रोवाइड करते हैं उससे आप स्टार का कोई भी एक चैनल का जहाँ पे IPL आता है उसका सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर दूसरा वे है आप हॉटस्टार का, डिज्नी प्लस हॉटस्टार का आप एक सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, या फिर आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार का सब्सक्राइबर बन जाइए। आप किसी भी मॉडल में जाते हैं देन हॉटस्टार का या फिर यूं कहो तो स्टार का फायदा ही होता है। और ये देखा गया है कि जो IPL के पीरियड में, ये जो 3 या 4 महीने का पीरियड होता है उसमें ये लोग बहुत ही ज़्यादा सब्सक्राइबर बेस को बढ़ा देते हैं। इसका एक डाटा के मीडियम से भी देखते हैं, क्योंकि ये देखा गया था कि अप्रैल 2020 में हॉटस्टार का जो पेड सब्सक्राइबर था, जो लोग पे करे थे हॉटस्टार को, तो वो था 80 लाख अप्रॉक्स, लेकिन ये देखा गया कि दिसंबर 2020 में ये बढ़ के हो गया 2.5 करोड़, यानी कि टोटल जो 1 साल से भी कम पीरियड में 3x का जंप देखने को मिला था। तो इतना बड़ा जो पेड सब्सक्राइबर हो जाता है वो सिर्फ IPL देखने के लिए नहीं आता, वो दूसरे मूवीज भी देखता है, दूसरे सीरीज भी देखता है, यानी कि वो हॉटस्टार को बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है, और जिसके वजह से हॉटस्टार का पॉपुलैरिटी और ब्रांड वैल्यू भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं देन आपको पता भी नहीं चलता आप कितना ज़्यादा टाइम इस प्लेटफॉर्म में स्पेंड कर देते हैं। तो समझिए, एक क्रिकेट में जो T20 मैच होता है वो 3 to 4 आवर्स, एक वनडे मैच हो जाता है 6 आवर्स अप्रॉक्स, और एक जो टेस्ट हो जाता है वो दिन में 8 आवर्स होता है। लेकिन हम जब एक क्रिकेट मैच देखते हैं या फिर उस गेम को देखते हैं, हमें ये रियलाइज़ नहीं होता कि हम कितना ज़्यादा टाइम उस प्लेटफॉर्म में स्पेंड कर रहे हैं। और एक रिपोर्ट में ये भी निकल के आया था कि ऑन एन एवरेज IPL के टाइम में हर यूजर 2 घंटा स्पेंड करता है इस प्लेटफॉर्म में। 2 घंटा मतलब आप डेली एक मूवी देख रहे हैं, आप समझे,
IPL जो 70 डेज का पीरियड होता है, आप 70 डेज में 70 मूवीज देख रहे हैं, यानी कि दिन में एक मूवी देख रहे हो, तो ये कितना बड़ा बात बन जाता है। लेकिन अब जब आप एक क्रिकेट मैच देखते हैं, आप रियलाइज भी नहीं करते कि आप इतना ज़्यादा टाइम इसमें स्पेंड करें, और इसके बीच में आपको बहुत ज़्यादा एड भी दिखा जाता है, जिसकी वजह से उनका एड रेवेन्यू भी बहुत ज़्यादा आता है। और उस एड रेवेन्यू का यूज़ करके ये लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा सीरीज प्रोड्यूस करते हैं, खुद का सीरीज ओरिजिनल जो बोलते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, उसको प्रमोट करके और ज़्यादा यूजर लाते हैं, उनको दिखा के और ज़्यादा पैसा निकालते हैं, उसको लेके फिर से सीरीज, और ये पूरा एक साइकिल बन जाता है। और ये भी देखा गया कि जो IPL का टोटल 2.5 मंथ का पीरियड होता है, उसमें हॉटस्टार ने अपने सारे पूरे साल भर का रेवेन्यू का 50% इनकम किया है। तो हम देख सकते हैं कि जो IPL है या फिर जो क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग है, वो हॉटस्टार के लिए या फिर स्टार के लिए कितना बड़ा रेवेन्यू स्ट्रीम है। तो जब हम रेवेन्यू स्ट्रीम की ही बात करें, देन तीसरा रेवेन्यू स्ट्रीम पे भी बात करना जरूरी है, क्योंकि ये है सबसे मेन एडवर्टाइजिंग, जो कि हम बोल रहे थे कि 85% ऑफ द रेवेन्यू कंट्रीब्यूट। तो जब हम टीवी में कोई भी क्रिकेट मैच देखते हैं, देन जो ऐड आता है, जैसे कि बायजूस का हो गया, टाटा का कोई एक कार हो गया, या फिर बीमल पान मसाला का हो गया, देन उसका हमारे लाइफ के साथ कोई रिलेशन नहीं होता, वो सबको वही ऐड दिखाते हैं, और इसकी वजह से हमारा भी लॉस होता है, हमें बोरिंग भी लगता है वो सारा चीज़। और साथ ही साथ जो कंपनी उस ऐड को दिखा रही है, उसका भी कुछ फ़ायदा नहीं होता, बस ऐसे ही ऐड दिखा रही है। लेकिन जब आप OTT में या फिर एक ऑनलाइन में या फिर सोशल मीडिया में देखते हैं, देन ये होता है कि आपको टारगेट करके ऐड दिखा दे सकता है, आपको जो चीज़ पसंद हो, आपका जो ख़रीदने का मन हो, उसी चीज़ का ही ऐड दिखा जा सकता है। तो इसके वजह से हमारा भी फायदा होता है, क्योंकि हमें सही चीज़ों का ऐड देखने मिलता है, हमें इसे बोर नहीं लगता, हमें इंटरेस्टिंग लगता है ऐड को देखने में भी। और उसके साथ साथ जो एडवर्टाइजर होते हैं, वो अच्छे से टारगेट कर पाते हैं, उनका ऐड जो कन्वर्जन होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उनका सेल्स भी बहुत ही ज़्यादा होता है। तो इसके वजह से वो लोग भी प्रीफर करते हैं कि OTT में ही अपना एड्स चलाए और उसमें ही अपना प्रमोशन। तो अभी मार्केट में ये हो रहा है कि सबको पता चल रहा है कि ये जो क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग का जो फील्ड है, या फिर जो क्रिकेट ब्रॉडकास्टिंग राइट का जो फील्ड है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होने वाला है, इसमें बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ होने वाला है, क्योंकि अभी VR का ज़माना आ रहा है, जहाँ पे आपको लगेगा कि आप क्या फील्ड में बैठ के मैच देख रहे हैं, इंटरनेट पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, एडवर्टाइजर्स इंटरेस्टेड है, मोबाइल पेनिट्रेशन ज़्यादा हो रहा है, तो सबको लेके इस फील्ड में ग्रोथ आ रहा है। तो क्या कर रहे हैं कि जो बहुत सारे कंपनी इसमें बिडिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, तो जो बिडिंग अमाउंट है बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, तो जो ट्रेडिशनल DTH प्लेयर थे उनके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रहा है इस फील्ड में इतना हाई बिडिंग डालना, क्योंकि इनके पास इतना ज़्यादा रेवेन्यू स्ट्रीम नहीं है, ये लोग ऐसे ही पुराने तरीके से ही काम करते हैं, तो इनके पास ये सारा चीज़ करने का पैसा नहीं है, या फिर ये पैसा लगा भी देते हैं देन ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, देन बिजनेस अल्टीमेटली लॉस में चला जाएगा। तो यहाँ पे OTT प्लेटफॉर्म्स इनसे एक कदम हमेशा आगे रहते हैं। तो इसीलिए ये सुनने को मिल रहा है कि स्टार का अभी जो राइट्स ख़त्म हो जाएगा 5 साल के बाद BCCI और ICC के साथ, तो इसके बाद बहुत सारे कंपनीज अमेजन को छोड़ के भी बहुत सारे कंपनीज इसमें इंटरेस्टेड है, जिसमें जो सोनी और जियो का मर्जर हुआ है वो भी इंटरेस्टेड है, उसके बाद रिलायंस भी ट्राई कर रहा है भाईकोन के साथ मिलके इसमें एंट्री लेने का। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि रिलायंस IPL में कितना ज़्यादा अपना दबदबा लेके बैठा है, और अगर रिलायंस इस फील्ड में आ गया देन पूरा का पूरा IPL ही रिलायंस का हो जाएगा ऐसा लग रहा है। तो ये सब तो हमने बात कर लिया कि फ्यूचर में क्या हो सकता है, अभी मार्केट का करंट सिचुएशन देखे, देन जो डिजनी प्लस हॉटस्टार है उसके पास इंडिया के OTT प्लेटफॉर्म में 50% मार्केट शेयर, यानी कि आधा मार्केट शेयर बस एक ही कंपनी लेके बैठी है, और अमेजन के पास 19% और नेटफ्लिक्स के साथ सिर्फ 5% है। लेकिन अभी जो मीडिया रेट्स आ रहा है, यानी कि जो ICC का और IPL का जो मीडिया रेट्स आ रहा है, जो भी कंपनी ले जाती है, अगर अमेजन गलती से भी ये ले जाते हैं ना, देन सडनली जो 15% था वो 50% हो जाएगा, और 50% 15% हो जाएगा। तो ये जो IPL का या फिर जो ICC का मीडिया राइट्स आ रहा है, ये बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजिंग होने वाला है, और ये गोल्डमाइन साबित हो सकता है जो भी कंपनी इस फील्ड में एंट्री लेना चाहती है। तो ये था हमारा पूरा एनालिसिस कि अमेजन इस फील्ड में आने का क्यों ट्राई कर रहा है, और इस फील्ड में ऐसा क्या है इसके वजह से बहुत सारे कंपनी इस फील्ड में अभी इंटरेस्टेड है। तो आई होप आप सभी लोगों को ये एपिसोड बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल में ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंटरेस्टिंग केस स्टडीज है जो कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, तो जाके उसे भी चेकआउट कीजिए। तो इसी के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।